हम रुख करना चाहेंगे टीएमसी के गढ़ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की। कोलकाता की राय क्या है, जो राय उभर कर आई है आ रही है उसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। मोदी सरकार के खिलाफ विरोधियों का विश्वास प्रस्ताव और शुक्रवार को इस पर बहस होनी है और वोट डाली जानी है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के लोगों से। हम पहुंचे हैं विक्टोरिया मेमोरियल के ठीक सामने। यहाँ कुछ लोग हैं, मॉर्निंग वॉकर्स हैं और आप विक्टोरिया मेमोरियल देखने आए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक बात बताइए, मोदी सरकार के साथ हैं या विरोधियों के साथ अविश्वास प्रस्ताव के साथ? 100% मोदी सरकार के साथ। वजह क्या है? बस यही वजह है कि और आगे कोई है नहीं उनके अलावा, किसी भी दल में कोई काम का आदमी नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूँ, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाना ही अविश्वसनीय है। कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि जहाँ 314 सीट्स इनके पास में है वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने के लिए नहीं, सिर्फ खिलवाड़ करने के लिए है और पार्लियामेंट का समय जायज करने के लिए है। मोदी सरकार ने पिछले 4 सालों में जो किया है उसके कार्यकाल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन मेरे लिए बहुत पशुपेश की स्थिति है। मैं क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी एक बार इस समय तो मैं जो है तत्कालीन सरकार के साथ ही रहूंगा, क्योंकि विपक्ष में कोई सशक्त चेहरा दिख नहीं रहा अभी और विपक्ष का शेप नहीं पता लग रहा कौन नेता होगा कौन नहीं होगा। मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूँ, इसलिए साथ हूँ कि देश का एक बहुत माने डेडिकेटेड प्रधानमंत्री देश को मिला है कि वो कुछ भी करते, गलत करे सही करे, बहुत डेडिकेटेड के साथ करते हैं। उनके अलावा कोई माने विकल्प नहीं है, अभी दिख नहीं रही है, इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूँ। तो कुल मिलाकर हमने जिन लोगों से बात की, ज़्यादातर लोग जो हैं सरकार के साथ हैं और नरेंद्र मोदी को अपना वोट देना चाहते हैं। कैमरामैन मृणमय के साथ प्रकाश सिन्हा, ABP न्यूज़ कोलकाता। विकल्पों की कमी, जी हाँ, ये सियासी संदेश जो है वो जनता की तरफ से उभर कर भी आ रहा है। और आप देख सकते हैं जो विश्वास मीटर आपके सामने, 80% लोग यहां पर मोदी के साथ हैं और सिर्फ 20% राहुल के साथ। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।